नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है जिसमें हम नंबर्स आइडेंटिफाई एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स भी बच्चों को करवा सकते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रिप का यूज़ करके हम ओनली वंस नंबर मींस 0 से लेकर 9 तक बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, और जब हम सेकंड स्ट्रिप का यूज़ करते हैं तो हम वंस और टेंस बच्चों को बता सकते हैं, और 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग इसमें बन सकती है। बॉक्स में आने वाले नंबर को बच्चे आइडेंटिफाई करके हमें बताएंगे और उनको डिफरेंट नंबर्स बनाकर उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाएगी। इसमें नंबर्स बिफोर द नंबर्स, आफ्टर नंबर्स सब बच्चे कर पाएंगे और बच्चे इसको बहुत इंटरेस्ट से और मज़े से इसको करेंगे। इसमें हम कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। बच्चों ने नंबर सीख लिए हैं 0 to 99, अब वो करेंगे इसका कंपैरिजन। जैसे एक साइड हमने बनाया 23, दूसरी साइड हमने बनाया 32, तो जो नंबर बड़ा है बच्चे उधर की तरफ इसका ओपन माउथ रखेंगे और दूसरी साइड क्लोज। जब दोनों साइड इक्वल नंबर्स हैं, इधर भी 43 उधर भी 43, तो बच्चे साइन लगाएंगे उसमें इक्वल का। अभी हमने फिर इसमें एक बड़ा और एक छोटा नंबर लिया है 53 और 23, तो बच्चों को फिर से हम कहेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है उधर हमें ओपन माउथ रखना है और दूसरी साइड क्लोज। तो इस तरह बच्चे कंपैरिजन सीख लेंगे। हेलो चांदनी, ये देखो चांदनी, इसमें आपने नंबर बताना है कि कौन सा नंबर बन रहा है इसमें। ये देखो कौन सा नंबर बन रहा है, ये इधर बताओ। 2323। वेरी गुड। अब वंश बताएगा, वंश आप ले लो माइक। वंश, यहाँ कौन सा नंबर बन रहा है, ये कौन सा नंबर बन रहा है, ये 3434। अब ये देखो दोनों नंबर्स में से 23 और 34 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 23 बड़ा होता है या 34? कौन सा नंबर, नंबर बोल के बताओ, बोलो। 3434। तो इसमें ये साइन बनाओ, कैसे बनाओगे बड़े का साइन कैसे बनाओगे? हाँ, तो जो संख्या बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है उधर हमें ओपन रखना है, और जो नंबर छोटा होता है उधर से इसको क्लोज रखना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों एक जैसे, इधर भी 23 इधर भी 23, तो फिर हम इसको बना देंगे इस तरह कि बोथ आर इक्वल, कि दोनों नंबर एक जैसे हैं। ओके, हेलो मैम, ये नंबर बताओ बेटा, कौन सा नंबर है इसमें बॉक्स में? 3। अच्छा, नेक्स्ट नंबर बताओ, अगला नंबर करते हैं इसमें। ये कौन सा नंबर है माना? 4। ये 4 है? नहीं, 4 तो नहीं है, ये कौन सा नंबर है?